आई हैव एक्चुअली सीन अभी सेकंड परफॉर्मेंस आई थिंक वो व्हील चेयर वाला वेयर मतलब दे बोथ हैव परफॉर्म टुगेदर आई मीन दे आर किलिंग इट एंड आई जस्ट वांट टू से गिव देम ऑल द लव गिव देम ऑल द सपोर्ट एंड वी आर देयर फॉर देम एंड ही डिजर्व्स टू विन दैट सीन कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है जो वो नहीं हारा आई डोंट हैव अ बली सो आई डोंट नो व्हेदर आई वांट टू गो अभी नच बली के लिए हाँ बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ियाँ हैं मैंने सुना है कि इस बार शायद एक्स वगैरह भी कुछ लोगों ने किए हैं कि एक्स कपल्स जो हैं वो भी साथ में हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अक्सर ऐसा होता है कि जब तक रिलेशनशिप चल रहा होता है सब बड़ा हेवनली और हंकी डोरी होता है लेकिन ब्रेकअप के बाद वापस से साथ में आना और साथ में टीम वर्क में आके कुछ करना इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट पर्सनल फेवरेट जोड़ी यार आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ अनीता संतानी एंड आई थिंक दे लुक रियली नाइस इन द डांस वेरी वेल परफॉर्म वेरी वेल ऑनेस्टली कौन सा देखा हमने ऑनेस्टली मैंने देखा मुझे अच्छा लगा है एंड मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सब जो आई थिंक एवरीबडी सो गुड तो पता नहीं चल सकता कौन अच्छा कर रहा है कौन क्या कर रहा है सब अच्छा कर रहे हैं सो ऑनेस्टली नहीं बिल्कुल नहीं मालूम था बिल्कुल मालूम नहीं था जब नच बली शुरू हुआ उससे उसके एक महीने पहले जब एक दो महीने पहले जब श्रद्धा ने साइन किया तब उसने मुझे बताया कि मैं नच बली कर रही हूँ मैंने कहा वाओ अपने एक्स के साथ नो प्रेजेंट के साथ एज एक ओके हु इज ही तब मुझे पता चला कि ओके शी इज डेटिंग समवन बट मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है बिकॉज मैं शूट पर ही रहता हूँ पूनम ने देखा है तो पूनम मुझे बता रही थी कि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल वो अच्छी परफॉर्मर है ही सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट वो जीते नच बली और अपने को एक्टर्स का नाम रोशन करें